السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى ما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله يسجد من في السماوات والأرض توعا وكرهم وزلالهم بالقدب والآصال معزز ناظرين نهاية دل موضوع میں خدمة ہے मौजू है क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया था या नहीं था आइए क़ुरान और सुन्नत की रोशनी में इस मसले को जानने की कोशिश करते हैं उम्मत का एक बहुत बड़ा तबका इस बात से इनकार करता है कि नबी का साया था कुछ लोग कहते हैं नबी नूरी थे कुछ लोग कहते हैं कि नबी का साया नहीं था और न, नबी का साया इसलिए नहीं बनाया अल्लाह ने क्योंकि नबी का साया ज़मीन पर रहता लोगों के कदम आपके साये पर पड़ते इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी तौहीन होने से आपको बचाने के लिए आपका साया ही नहीं बनाया तो इन तमाम मसलों पर गुफ्तगु करते हैं कुरान और सुन्नत से इन तमाम मसलों का हल तलाश तलाशने की कोशिश करते हैं कि क्या ये मसले ये ये मसाइल जो लोग बयान करते हैं सही है या गलत कुरान मजीद के अंदर कुरान मजीद जो है सूरत राहत के हवाले से मैंने एक आयत की तलावत आप लोगों के सामने की है अल्लाह रब्लम शात रम वल यद मनफिस समी वसमानों में और ज़मीनों में जो भी हैं ये सब के सब खुशी ना खुशी अल्लाह रब्बुल आलमीन का सजदा करते हैं दिलालुहुम और उनके सये भी रब्बुल आलमीन का सजदा करते हैं चाहे वो जमीन के रहने वाले हों या आसमान के रहने वाले हों सब के सब रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाया सुबह शाम सुबह शाम सजदा करते हैं चाहे वो ज़मीन के रहने वाले बशर हों या आसमान पर ज़िंदगी गुजारने वाले नूर फरिश्तों की शक्ल में हों रब्बुल रबालमी ने बयान फरमाया खुशी ब खुशी ये सब के सब आसमानों वाले भी ज़मीनों वाले भी रब्बुल रबालमीन का सजदा करते और सिर्फ़ ये इंसान और फरिश्ते नहीं बल्कि रबालमी ने बैन फरमाया कि वीलाम और इनके सये भी कुर मजीद की ये आयत अमूम पर दलालत करती है और अमूम में आम और ख़ास नबी वली पीर बुजुर्ग शहीद इतने फरिश्ते सब आ जाते यायत करीमा हमें और आपको पैगाम देती है कि जो भी मखलूक़ बना रब ने उसका साया भी बनाया हर मखलूक़ का साश वाले ने हर मखलूक़ का साया अरश वाले ने बनाया है इसके अलावा भी बहुत सारी आयत आवलम यारो इला माखला कल्लाहु मन मन शेन यतफियो दिलालु बिल अनील यमीन व शमायल सुज्जदलिल्लाह उम दाखरु सुरतु नाहल की आयत है इस आयत के अंदर भी रब्बुल आलमीन ने भी साय का तस्करा किया जो भी मخلوق है हर मخلوق के साय का तस्करा रब ने किया और मुहम्मद रसूल ल रब के बंदे थे एक मखलूक थे खालिक नहीं थे खालिक का साया नहीं मखलूक के साए हुआ करते हैं। तो रब्बुल रबालमीन ने इन दोनों आयतों के अंदर साए का तस्करा किया कि जो भी मखलूक है हर मखलूक का साया रब ने बनाया है एक बड़ी प्यारी रवायत मुस्ंद अहमद की रवायत है हज़रत सफ़ै रज़ील्ला तह औरत ज़ैनब रज़ील्ला तह यह दोनों नबी के साथ एक सफ़र में थे लम्बे रवायत है हज़रत सफ़ै का जो ऊँट था बीमार हो गया जैनब के पास दो ऊँट थे अल्लाह के नबी ने हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह तह से कहा कि जैनब एक ऊट सफ़िया को दे दो हज़रत जैनब ने थोड़ा तंज किया कि उस यहूदिया को मैं ऊँट नहीं दे सकता अल्लाह के नबी ने ज़ैनब रजी अल्लाह तन के इस बात से तंज़िया लहजे से नाराज़ हो गए और बयान करती हैं कि तीन महीने तक अल्लाह के नबी नहीं आए हज़रत ज़ैनब रजील्ला तय करती हैं कि यों लग रहा था कि अल्लाह के नबी अब तलाक दे देंगे अब नहीं आएंगे। हज़रत ज़ैनब रजी अल्लाह तन ने अपना पूरा सामान बाध लिया कि चल अल्लाह के नबी अब तो हमें छोड़ ही देंगे तलाक़ दे देंगे अब अब हम भी अपने माँ बाप के पास चलते बयान करती हैं कि मैंने अपना सामान बांध लिया था फ़बई नमाना यौमिनार्सूल सल्ला मुकबिल बयान करती हैं कि मैंने अभी अपना सामान बांधा था कि अचानक दोपहर के वक़्त अल्लाह के नबी का आया बयान कौन कर रही हैं उमुलमिन नबी की बीवी मोमिनों की माँ हज़रत जैनब रजील ता बयान करती हैं कि फ़बई नमा यौमन अचानक यह नहार, अचानक दोपहर के वक़्त रसोल्मा अल्लाह के नबी जनाब महम्मदोल्लाम का साया आते हुए दिखाई दिया अकबर। कौन कह रही हैं अजर जैनबर ते तो हदीस हमें और आपको ये पैगाम देती है कि मोहम्मद रसोल स और हज़रा जो लोग साया कहते हैं कि नबी का साया नहीं था नउज़ बिल्ला वो नबी के शान में गुस्ताखी करते साया जिस जिन चीज़ों के साए नहीं होते वो कमज़ोर होते वो नईफ़ होते और हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसोल्ला सल्लम कमज़ोर नहीं थे मज़बूत थे ठोस थे कैसे थे ठोस थे शीशा होता है शीसा अगर पतला होगा साफ़ शफाफ होगा तो उसका सा नज़र नहीं आता शीशे का है ना और अगर शीशे को गिलाब पहना दिया जाए तो उसका साया नजर नहीं आएगा और अगर शीशे की तरह से शीशे को गिलाब पहनाया जाएगा तो शीशे का अंदरूनी हिस्सा दिखेगा यानी ए, उसकी इज्जत और आबरू सारी चीज़ें बेपर्दा नजर ना उस बिल्ला हमारे और आपके नबी बेपरदा नहीं थे यह कहना कि नबी का साया नहीं था नबी के शान में गुस्ताखी है नबी की तोहन है अल्लाह के नबी ठोस थे बहादुर थे मजबूत थे आप सल्लम कपड़े भी पहनते थे कपड़ा पहनने के बाद तो आपका साया नजर आएगा और अगर कपड़े के बाद भी अगर आप ये बोल रहे हैं कि कपड़ा पहनने के बाद भी साया नजर नहीं आता तो इसका मतलब ये है कि आप सल्लम आपके कहने के हिसाब से नऊज बिल्ला बरहना थे नउज़ बिल्ला सुम्मा बिल्ला नंगे नहीं थे हमारे नबी कपड़ों में मलबूस हुआ करते थे हजरात और जहाँ तक आपका यह कहना कि अल्लाह ताला ने आपके तोहिन से आपको बचाने के लिए आपका साया नहीं बनाना उजबिल्ला दुनिया का कोई भी शख्स किसी के साय पर कदम रख कर बता दे मोह मांगा इनाम देंगे हम जैसे आप उसके साए पर कदम रखेंगे वो साया आपके पाँव के ऊपर आ जाएगा आपका पाँव नीचे आ हो जाएगा वो साया ऊपर आ जाएगा यकीन नहीं आता तो आज़मा करके देख लो जैसे आप किसी के साए पर अपना कदम रखेंगे वो साया आपके पाँव के ऊपर आ जाएगा और आपका पाँव नीचे हो जाएगा साय को दबाया नहीं जा सकता साया हमेशा ऊपर होता है नीचे नहीं होता है किसी चीज़ के ऊपर होता नीचे नहीं होता आप कभी भी आज़मा करके देख लें लोगों का ये कहना कि आप नूरी थे नूरियों का साया नहीं होता नौज़ बिल्ला ये भी झूठ है बड़ी प्यारी रवायत है सही बुखारी की रवायत है गलबन गजवे उद के मौके पर हज़रत जाबिर रज़ील् तनों के वालद महतरम हज़रत रजील् तनों जब शहीद हुए उनके अहल वहाँ पर उनके इर्द गिर्द जमा हो करके आंसू बहाने लगे रोने लगे अल्लाह के नबी ने शात फरमाया, मतिल अज्न आती हाफा तुम हा हत हत्ता तुम हत्ता हत रफा तुम अल्लाह के नबी ने कहा कि फ़रिश्ते जब तक तुम इनको उठाओगे तब तक फ़रिश्ते अपने बाजू का साया इन पर किए रहेंगे अल्लाह अकबर कितनी प्यारी रवायत है अपने बाजू का साया अल्लाह के नबी ने कहा माजा लतिल का तो तुजिल्लू अपने बाज़ू का साया इनके ऊपर फरिश्ते किए रहेंगे यह हदीस हमें और आपको बताती है कि नूरियों का भी साया हुआ करता था नूरियों के भी साए होते हैं चाहे फरिश्ते हों नूरी हो नारी हो बशर हो इंसान या कोई जानवर हो जो भी मखलूक के रूप में है खालिक की शक्ल में मखलूक की शक्ल में जो भी है ये तमाम आयात करीमा अदीसे सफी ये वाक़ात हमें और आपको मैसेज और पैगाम देते हैं हर मखलूक़ का साया अरश वाले ने बनाया है इसमें कोई शक नहीं ये तमाम हदीसें ये तमाम आयात करीमा इस बात पर दलालत करती हैं ये कहना कि नबी का साया नहीं था नबी की तोहन है नबी की गुस्ताखी है नबी की गुस्ताखी है और ये गुस्ताखी ख़तरनाक किस्म की गुस्ताखी है ये गुस्ताखी उनको ख़तरनाक यानी जहालत तक ले करके जाती है अल्लाह से दुआ करते हैं हमें और आपको उमत महम्मद को, को बार जहालत से गुमरहीत से ऐसे तोहन आमेस और गुस्ताखाना कलमात के कहने से ऐसे गुस्ताखाना अफकार और नजरियात से बचने और बचाने की तोफ़ी नायक फरमाए किताबल्लात रसोल्ला वसलम के रोशनी में जिंदगी गुजारने की तोफ़ी का नायक फरए अमीन वालक वरमि वर्क